की कोई कीमत नहीं है पिताजी। कोई उम्मीद नहीं है इनको, हमारी खून पसीने की कमाई लूट रहे हैं। हर किसी को उसके ऊपर वाला लूटता है। यस, हमारा सरदार हमें लूटता है तो गोलकोंडा का नवाब उसे लूटेगा और उस नवाब को दिल्ली का मुगल बादशाह। मुगल बादशाह ये सभी लुटेरे जो हमारे ऊपर है उनको लूटने के लिए भगवान किसी न किसी को भेजेगा। कल्याण वो आकर इन चोर सरदारों का सारा हिसाब किताब चुकता करेगा। ओके। धर्मयुद्ध 2024, इसको धर्मयुद्ध बताने क्यों दिखाया गया? तो ये एक इतिहास के किसी समय पर बनी हुई मूवी है, जिसमें मुगल बादशाह, वो कौन सा बादशाह है ये तो नहीं बताया, बट मुगल बादशाह से संबंधित ये कोई स्टोरी है। वो जो अन्याय कर रहा है उसके खिलाफ कोई खड़ा होगा और उसे बदला लेगा, इस टाइप की ये स्टोरी है। पवन कल्याण है इसमें, बॉबी देओल जो कि मुगल बादशाह बने हुए हैं। बात करें इस टीजर की तो टीजर में जो बीजीएम था ज़्यादा अच्छा तो नहीं बट ठीक था। विजुअल्स की बात करें तो उस समय का जो समय होता था उस टाइप के ही विजुअल्स थे, ओल्ड टाइप के, गरीबों को दिखाना, गरीबों पर अत्याचार करना, गरीबों का अनाज लूटना, उनसे वसूली करना, इस टाइप के विजुअल्स थे। सिनेमेटोग्राफी एंड डायरेक्शन थी वो अच्छी दिख रही थी। टीजर की स्क्रीन टाइमिंग के दौरान जो पवन कल्याण थे वो एटीट्यूड एक पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए नज़र आ रहे थे। उनके द्वारा तलवार का काफ़ी यूज किया गया। वैसे इसका जो पहला भाग है उसका नाम ही स्वॉर्ड वर्सेज स्पिरिट है। ये अलग अलग पार्टों में आएगी तो देखना इंटरेस्टिंग होगा, बट मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा इसका टीजर। शायद ट्रेलर आएगा वो ज़्यादा अच्छा लगे, बट ठीक है फिर भी। तो इसके टीजर पर यही था मेरा रिएक्शन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।